किडनैपर 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 बच्चे को लेके जा रहा है ये, इसकी मैं फोटो खींच रहा हूँ, इसकी मैं फोटो खींच रहा हूँ। इसे मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मैं इसको पुलिस के हवाले जरूर करूंगा। ये कोदरा लेके क्यों आ रहा है यार, ये फावड़ा लेके क्यों आ रहा है। मेरी चाबी लग लग लग, चाबी लग, स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हो रही। अबे हो जा, अबे हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। साले ने शीशा फोड़ दिया इसकी, ऐसी कितने ऐसी बुढ़े अंकल। निकल निकल। तो कैसे हो गाइस, आज हम खेलने वाले हेलो नेबर 2। पहला एपिसोड ये होने वाला है, और आगे कितने एपिसोड आएंगे मुझे नहीं पता, वीडियो में बने रहना एंड तक। चलो स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं हमें यहाँ से कैसे एस्केप करना है और हम कैसे उस बच्चे को बचाएंगे। यार पहले तो उसने मेरे को ही बंद कर रखा है, कहाँ पे मैं बंद हूँ पता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा पजल सेट कर रखा है, मैं इसको सॉल्व करके बाहर निकलता हूँ। अरे चुटकी बजाऊंगा और मैं बाहर निकल आऊंगा। मेरे को मिल गया, मैंने सारे यहाँ लगा दिए और मैं लीवर ऑन करके गेट खोल के बाहर जा रहा हूँ। देख रहे हो तुरंत निकल गया यार, ये चुटकियों का खेल है मेरे। ये कहाँ से आया, इसको कैसे पता मैं यहाँ आ गया। यार नजर रखा था क्या, मेरा कैमरा इसने ले लिया, मेरा आई कार्ड भी चेक कर रहा है ये। मेरी आंख बंद हो गई, सारी फोटो इसने डिलीट कर दी होगी। हमको प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें बच्चे को किसी भी तरह से बचाना है। मेरा जर्नलिस्ट का रोल है इस बार, तो मेरे को कुछ भी हो जाए मेरे को बच्चे को बचाना है। ये क्या देखा मैंने पीछे, पीछे इतनी सारी टीवी लगी हुई है, सब ब्लैक एंड वाइट। पिक्चर आएगी इसमें, आ गई पिक्चर, आ गई। ये क्या देख रहा हूँ मैं, उनके घर के आगे कोई और ही अंकल तो दिखाई दे नहीं रहे हैं शायद। मैं वहां पे जल्दी से चलता हूँ यार, देखता हूँ वहां पे आखिर हो क्या रहा है। अरे किधर सही जा रहा हूँ मैं, रास्ता शायद से ठीक है। नीचे चलते हैं, थोड़ी भी देरी नहीं करनी है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे। बच्चों को उसने काफी किडनैप कर रखा है, और मैं यहाँ आया तो पुलिस वाला था और इसने मुझे तुरंत पकड़ लिया। यार क्यों पुलिस वाला मुझे अंदर नहीं जाने देगा। भाई यार ये कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तेरी भैंस की टांड ले, मुझे पकड़ के गिरा रहा है भाई, हाथ यू टेढ़ा करके साले मार देता है। यार कोई नहीं, मैं पीछे वाले गेट से चला जाऊंगा, मुझे वहां का रास्ता पता है। अब कैसे पकड़ेगा, आजा देखते हैं किसमें है कितना है दम। आगे का खुद बना लो, राइमिंग मैं नहीं बना रहा। तो अब यहाँ पे तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ यार एकदम ही अंदर शांत माहौल है और एकदम डार्क डार्क सा ऐसे हो रहा है जैसे कि मैं कहीं हवेली में आ गया भूतिया। तो यहाँ पे मुझे चार ताले ये वाले खोलने हैं जिसके नीचे बच्चे बेसमेंट में मुझे मिलेंगे। ओ भाई 1 2 3 4 ताले कौन लगाता है यार। अरे भाई इतना ही कीमती है तो यार कुछ अलग कर ले, कोई दूसरी तिजोरी बनवा ले यार, चार ताले यूज कर रहा है ये। क्या था ये, पढ़ नहीं पाया यार, कोई नहीं वैसे भी इंग्लिश तो आती नहीं है, हिंदी पढ़ेंगे हिंदी। यार ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, ये इसके पीछे मैं कैसे भगूं, से पीछे छुटकारा नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं अंदर बार बार आ रहा, वो पकड़ ले रहा है मुझे और यूं करके मार रहा है मेरे को, मेरी तो ऐसी तैसी हो जा रही है। क्या करूं यार इसका, ये शायद यहाँ पे भी पजल सॉल्व करना है क्या। अच्छा मुझे लाइन से यहाँ पे 4 नंबर रखने हैं जिसकी मदद से ये लॉकर खुलेगा। भाई पैसा तो खर्च किया यार अंकल ने घर में अपने, तो मुझे जिसमें से एक नंबर मिल गया है मुझे 2-3 और ढूंढने हैं ना, कहाँ ढूंढूं। चलो घूमते हैं इधर उधर और देखते हैं कहाँ है बाकी और नंबर। यार टॉयलेट में यार देखना पड़ेगा, चलो कोई नहीं यहाँ पे भी देख लेते हैं, कहीं दिख तो नहीं रहा। इसके अंदर है क्या ये, मैं तुक्का भेड़ रहा हूँ यार, इसी के अंदर निकला, गजब यार। इसको मैं लगा देता हूँ, कौन सा ये नीला है ना, नीले पे लगाना है, मैं पीले पे फेंक रहा था। 2 नंबर मैंने लगा दिया और तीसरा नंबर मुझे फिर इसके अंदर देख ले। मैं घूमते घूमते जहाँ जहाँ गया मुझे वो नंबर मिलते चलेगा, मतलब मुझे पूरे घर में घूमना ही पड़ गया इन नंबरों के लिए। तो मुझे अभी भी एक लाल वाला नंबर नहीं मिल रहा, तो मैं तुक्का मारने की ट्राई कर रहा हूँ। तो 1 से 9 अगर 9 बार ट्राई मुझे करना पड़ेगा तो मैं 1 से 9 तक बार बार ट्राई कर सकता हूँ। 1 9 8 4 ये होती है किस्मत, और एक बार में आ गया। एक तो खुल जा, कौन सा खुलेगा, ये सबसे ऊपर वाला गया, खुल 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 गया।
एक खुल चुका है ताला, तीन और ताले हमें खोलने हैं, जल्दी से वो भी खोलते हैं। ओबे ओबे ओबे, मैंने तो जब छुआ उस पर वो हाथ का मार कर रहा था, मैंने दबाया और वो खुल गया यार। तो इसमें भी पजल बन रखा है यार, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तुक्का मारे, मैंने ट्राई किया तुक्के से नहीं खुला। तो वो जो टीवी में था, मैंने वहाँ पे टीवी में जो देखा था वर्ड, तो उसके फर्स्ट अक्षर से ये पैटर्न खुलेगा। और मैं ट्राई करा और वो खुल चुका है। तो यहाँ पे एक गेट सा एकदम, मतलब गेट सा ही बन रखा है, गेट ही बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे क्या है, एक ये मिला मुझे और एक डॉल मिली। अच्छा ये डॉल कहाँ लगानी है, मैंने वहाँ पे देखा था शायद पेंटिंग, मैं यहाँ रखता हूँ। इसके ऊपर हमें तीन डॉल रखने हैं, जिससे हमारा ये वाला वो ये वाला बॉक्स भी खुल जाएगा, जिसको सीक्रेट सा बना रखा है इसने। तो मैं ट्राई कर ही रहा था कि मुझे एक और वहाँ पे खींच के खोलने वाला दिख गया। तो मुझे दो डॉल मिल चुके हैं और एक डॉल मुझे और चाहिए, अंकल वाली। वो अंकल वाली डॉल अब कहाँ पे है, मैं उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा था। तो मुझे यहाँ पे पीछे एक सुरंग सा दिखाई दिया, तो मैं यहाँ पे चढ़ के देखने लगा। तो यहाँ पेंटिंग हटाई मैंने, और पेंटिंग के अंदर मुझे गुफा के अंदर एक और डॉल मिल गया, जो मुझे दूसरी साइड से दिखाई दे रहा था। मतलब अंकल यार इतना दिमाग लगा लगा के यहाँ पैटर्न वाला घर बना रहे हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे। हमारे पास एक वो नहीं होती तिजोरी, और इनके पास तिजोरी से भरा है। कोई चोर आएगा तो चोरी कर ही नहीं सकता। लेकिन वो खुला नहीं यार, मुझे वो समझ में नहीं आया वो कैसे खुलेगा। अंकल भी आ गए यार। तो मैं बाहर आया था तो मुझे ऊपर जाने के लिए कैंची चाहिए। मुझे कैंची उस घर में तो कहीं नहीं मिली, ना कैंची मुझे अपने घर में कहीं मिली। तो मेरे को यहाँ एक सामने घर दिख रहा था, जहाँ मैं आया और मैं देखा यहाँ पे कोई जुगाड़ मिल जाए मुझे ऊपर जाने का। मुझे ऊपर जाने का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा था। तो मेरे को यहाँ पे पेंटिंग दिखी, जिसकी मदद से मैं ऊपर जा सकता हूँ शायद। क्यों इसने अपने घर में जीना नहीं बनवाया, पता नहीं इतनी प्राइवेसी क्यों लगा रहे हैं, मैं तो नहीं लगाता यार। तो अब दूसरे के छत से बताओ यार, उसके छत पे जाना पड़ेगा मुझे कैची के लिए। कोई नहीं, मैं घुसने की ट्राई कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे यार बड़ा मस्त लग रहा है यार, घर तो बड़ा मस्त है यार, देख रहे हो ट्रेन चल रही है। हमें नहीं मिले ऐसे खिलौने खेलने के लिए यार, हमारे टाइम पे ऐसे खिलौने नहीं थे क्या? ये क्या है? अरे अरे बच्चे का घर है क्या यार किसी के? रोबोट भी है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ में आया। अच्छा मैं रोबोट का हाथ वहां पे जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के बाद क्या होगा, चलो देखते हैं। जोड़ के जल्दी से मैं इसको पजल को सॉल्व कर लेता हूँ। क्या निकला ये? लीवर निकला है हमारे इसके अंदर से। अच्छा अब इसको यूज हम कहाँ करेंगे? यहाँ पे जो ट्रेन की पटरी जा रही है वो सीधी घूम के वापस चली जा रही है, और कैची मुझे नीचे दिखी है, शायद इसकी मदद से उसका ट्रैक चेंज करना है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ। तो ट्रेन ने पटरी बदल दी है और वो कैची लेके मेरे पास तक आ चुकी है यार। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके बाद क्या होने वाला है। कैची लेके मैं जल्दी से उस वाले घर में चलता हूँ और वहां का। अरे देख लिया उसने मुझे, अरे देख लिया कट जा। ओ बे भाग 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 नितेश, भाग नितेश भाग। किसी ने नहीं देखा मैं यहाँ हूं ही नहीं यार, मैं हूं ही नहीं यहाँ। किसी ने नहीं देखा, नहीं आ रहा। चला गया था। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिला यार, थोड़ा धीरे बोलूं उसे सुनाई भी ना दे, लेकिन मजा कैसे आएगा फिर यार। इतना यार ऐसे गेम खेल खेल के मैं डर जाता हूँ यार, ऐसे गेम क्यों बना रहे हो? ये पजल यहीं लगेगा क्या? आ रहा है, अरे फिर आ गया। यार ये हाथ तोड़ देता है मेरा यार, इतनी मुश्किल से मैं ऊपर जा पाता हूँ यार। ये क्या है, ये टीवी किस काम आएगी यार, बेकार यार बक। तो मैं फिर ऊपर आ जाता हूँ यार, वो टीवी किसी काम नहीं आई मेरे। तो यहाँ पे एक जाल है, मैं तो काफी चीज भी काट सकता हूँ उससे। मुझे उसका पजल का एक चीज और मिल गया, जिसे मैं शायद यूज कर सकता हूँ उसी पजल में। देखते हैं उसको लगा के लगता है कि नहीं। तो ये भी लग गया। वहां पे मुझे दो टुकड़े और चाहिए, जिसकी मदद से वो पूरा पजल सॉल्व हो जाएगा।
तो पहले तो मैं यहाँ पे एक वजन वाली चीज ढूंढ रहा था जिसको हम यूज करेंगे। मैं बताता हूँ उसका यूज कहाँ पे होगा। मैंने देखा था वहां पे दूसरे वाले कमरे में। जल्दी से उसको लेके चलते हैं दूसरे वाले कमरे में। मैं इसको लेके आ गया। यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे मैं खड़ा हो रहा था तो वहां पे गेट खुल जा रहा था। तो यहाँ पे इस वजन को रखने से ये वाला अलमीरा का गेट खुल गया है जिसमें एक टुकड़ा हमें और मिल गया है। तो इसको भी लेके चलते हैं हम वहीं पे, और पजल हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। लेकिन मैंने पूरा घर छान मारा, मुझे लास्ट वाला तो पजल मिला ही नहीं यार। ये दूसरा वाला जो मुझे सेकंड लास्ट मिला था वो भी बहुत मुश्किल से मिला। तो मैं इधर उधर देख ही रहा हूँ और मुझे ये क्या दिख रहा है, ये क्या है? एक लीवर और मिला यार। खैर इसका नाम लीवर ही है कि कुछ और बोलते हैं मुझे नहीं पता। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर इसका नाम कुछ अलग होगा तो, ठीक है। तो अब इसका यूज कहाँ करना है मैं ढूंढ रहा हूँ कमरे में, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है? अच्छा ये गाड़ी है यार, और गाड़ी के अंदर ये रिमोट कंट्रोल कार है और उसके अंदर हमें बैटरी लगानी है। अब हमें बैटरी भी ढूंढनी है। और एक ये क्या है, कुछ मिला शायद, कुछ मिलने वाला है हमें यहाँ, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, पजल का लास्ट टुकड़ा भी मिल गया यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे उसके बाद क्या मिलने वाला है। मैं इसको जल्दी लगा देता हूं वहां पे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे एक यार चाबी मिल गई। मैं इतना एक्साइटेड हूं क्या बताऊं। लगा लेता हूं मैं चाबी भी जल्दी से। दो ताले हमारे खुल चुके हैं, दो ताले और बचे हैं, उनको भी जल्दी से खोल देंगे। और लीवर में ढूंढ ही रहा था कि लीवर कहाँ लगाना है, और लीवर का रास्ता भी मुझे मिल गया। और इससे लेकिन होगा क्या ऑन? ओ भाई गजब, दूसरा सीक्रेट रूम बना बना के रखा है यार। ये अंकल बड़ा हरामी है यार। ऐसे पड़ोसी अगर हमारे आसपास बसे रहेंगे तो यार क्या होगा, ना बच्चे मिलेंगे ना किडनैपर अंकल। तो ये क्या, अच्छा कैमरा मिला मुझे इसके अंदर। अच्छा वो टीवी और कैमरा दोनों मिल गया, लेकिन कहाँ काम आ रहा है वो, मुझे जरूरत ही नहीं है कैमरे की यार। मेरी आंखों में जो ये चश्मा है ना बहुत दूर तक देख सकता है। तो यहाँ पे हमें बैटरी मिल गई है, और बैटरी में लगा लूंगा इसमें कैमरा। अबे अबे कैमरा वहां नहीं लगाना हुए, क्या कर रहा है नितेश, ठीक से खेलना। पहले मैं वो हटाऊं यार, वो पता नहीं कैसे हाथ में रहता है तो भारी भारी सा वजन आता है अपने। अरे गाड़ी कहाँ चली गई? अबे अबे तो ओडी ट्रैक तो देते यार, अरे वापस तो दो गाड़ी। अबे खाली मेहनत करवा ली यार, कुछ फल ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा वापस खींचता हूँ। ये क्या लेके आया है, चाबी? ओए भाई एक और चाबी मिल गई। खोल खोल खोल, ताला खोल ताला खोल। एक चाबी और मिल गई। तो लास्ट हमें एक चाबी और चाहिए, वो कहाँ पे है? तो मैंने सब कुछ किया था, मुझे ये लास्ट वाला जो ये मैंने ये किया था सबसे स्टार्टिंग में जो पजल वाला, मेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ था। और मैंने फ्रिज खोलते समय देखा था कि इसको लाइन से सेट करना है, और मैंने जैसे तैसे रख दिया, इसलिए वो शायद सॉल्व नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं इसे लाइन से सॉल्व कर लेता हूं। पहले हमें लड़की रखनी थी, फिर लड़का, फिर अंकल को रखना था। और इसके अंदर से भी हमें एक चाबी मिल चुकी है यार। चारों ताले अपने ओपन हो चुके हैं। जाओ नीचे जा रहा हूं मैं। बच्चे बच्चे है ही नहीं यार। अबे अंकल ने चूतिया बना दिया क्या? बच्चे किधर गए? इस पेपर को मैंने पढ़ा तो उसके अंदर से एक चाबी निकली यार। ये कुछ लोडिंग होने के बाद बाहर निकल जाता हूं फिर मैं। तो इस वाले एपिसोड में बच्चे तो हमें कहीं नहीं दिखे यार, दूर दूर तक नहीं दिखे बच्चे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा इसके पार्ट टू में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहो और वीडियो को एंड तक देखो और दोस्तों में फैलाओ जिन्हें हॉरर गेम प्ले पसंद है। तो मैं लेता हूं अलविदा, नमस्कार।